आज हम बनाएंगे ऐसे इजी और टेस्टी मटर स्नैक्स जो फटाफट से बन जाते हैं और शाम के चाय के साथ सर्व करने के लिए एकदम परफेक्ट है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपीज आप जरूर देख पाएं। मटर स्नैक्स रेसिपी के लिए ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। मटर स्नैक्स रेसिपी के लिए हमने लिए हैं ब्रेड स्लाइसेस, जिन्हें हम ब्लेंडर में ब्लेंड करके इनके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। हमें एक कप ब्रेड क्रम्स चाहिए हैं, जिसके लिए हमें तकरीबन 6 से 8 ब्रेड स्लाइसेस की जरूरत पड़ेगी। ब्लेंड करने के बाद एकदम परफेक्ट होममेड ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार है। अब हम इसी ब्लेंडिंग जार में 1 कप फ्रेश मटर यानी कच्चे मटर डालकर इन्हें भी ब्लेंड कर लेंगे। इस रेसिपी के लिए फ्रोजन मटर की जगह फ्रेश मटर ज्यादा बेहतर है। इन ब्लेंड किए हुए मटर को हम मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। अब इनमें हम सूखे मसाले डालेंगे, जिनमें हमने लिया है 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1/2 चम्मच गरम मसाला डालकर इन सभी मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें डालें 1 कप ब्रेड क्रम्स और अच्छे से मिला दें। ब्रेड क्रम्स डालने से ये मटर स्नैक्स खाने में तो मजेदार बनेंगे ही, इसके अलावा ब्रेड क्रम्स से इनकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, यानी इन्हें पकाते वक्त ये टूटकर बिखरेंगे नहीं। इसे हम आटे की तरह मसल मसल कर अच्छे से गूंद लेंगे। अब हाथों पर और बेस पर थोड़ा कुकिंग ऑयल लगा लें और इस मिक्सचर को किसी फ्लैट जगह पर रखकर हल्का हल्का दबाते हुए फ्लैट कर लें। अब इन्हें परफेक्ट शेप में काटने के लिए हम इस बिस्किट कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बाजार से बड़े आराम से मिल जाते हैं। अगर आपके पास कटर ना हो तो आप कोई भी छोटी कटोरी या ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्किट कटर पर थोड़ा कुकिंग ऑयल लगा लें और इस तरह से परफेक्ट शेप के स्नैक्स काट लें। एकदम परफेक्ट मटर के स्नैक्स कटकर तैयार हैं। यहाँ पर आप इनकी थिकनेस यानी मोटाई भी देख सकते हैं। अब हम इन मटर स्नैक्स को फ्राई करेंगे, जिसके लिए एक गरम पैन में थोड़ा कुकिंग ऑयल डालें। तेल गरम होने पर इसमें तैयार किए हुए मटर के स्नैक्स डालकर फ्राई कर लें। तेल इतना जरूर रखें कि मटर स्नैक्स के साइड्स भी तेल में अच्छे से डूब रही हों। तेल गर्म होने पर हम इन्हें मीडियम हाई गैस पर सेट करके फ्राई करेंगे। कम हीट पर ये टूटकर बिखर सकते हैं और ज्यादा हीट पर ये झट से जल जाएंगे। इन्हें हम बारी बारी उलट पलट कर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। मीडियम हाई हीट पर ये कच्चे मटर भी अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करने पर जब इनका रंग हल्का गोल्डन ब्राउन सा नजर आने लगे तब ये बनकर तैयार हैं। इन्हें हम अब्सॉर्बिंग पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल अब्सॉर्ब हो जाए। इसी तरह हम सारे तैयार किए हुए मटर स्नैक्स गरम तेल में डालकर फ्राई कर लेंगे। बताई गई सामग्री 2 से 3 लोगों के लिए काफी रहेगी। ये टेस्टी मटर स्नैक्स गरम गरम चाय और टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। ये बनाने में बहुत ही इजी है, तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।